हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। हम साइंस का 7th चैप्टर रीड कर रहे थे एंड हमने इसमें लैंड पर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके अडेप्टेशन को अच्छे से रीड कर लिया था। सो टुडे वी विल रीड अबाउट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। सो हम आज जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो किस तरह से अडेप्टेशंस करते हैं, किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं, उसके बारे में रीड करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। देखो, जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोला जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, हमारी तरह ही ऑक्सीजन को लेते हैं, बट वो कैसे लेते हैं? वो तो वाटर के अंदर होते हैं, तो वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे ही ब्रीथ करते हैं। हम क्या करते हैं? हम एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, बट जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे लेते हैं। मैनी ऑफ देम हैव स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन्स कॉल्ड गिल्स। देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हम लोग हैं, ब्रीथिंग करने के लिए हमारे पास अलग ऑर्गन्स होते हैं, हम नोज से लेते हैं, तो उसी तरह ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं किसके पास? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास, और उन्हें क्या बोला जाता है? गिल्स। फिशेस हैव फिन्स वाइल टर्टल्स हैव पैडल्स और फ्लिपर्स। देखो, फिशेस जो होती हैं उनके पास फिन्स होती हैं, जबकि जो टर्टल्स होते हैं उनके पास पैडल्स होते हैं या फ्लिपर्स होते हैं। अब ये किस लिए होते हैं? ये होते हैं वाटर में स्विम करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, जाने के लिए। वाटर में चलने के लिए उन्हें कुछ चाहिए होता है। जैसे हमारे पास क्या है, हम जब लैंड में चलते हैं तो हमारे पास लेग होते हैं, हम लेग से चलते हैं, तो हमारे लेग्स हैं इसलिए हम चल पा रहे हैं। और उसी तरह वाटर में चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए फिशेस के पास फिन्स होते हैं एंड टर्टल्स के पास पैडल या फ्लिपर्स होते हैं, जो आपको डायग्राम में दिए हुए हैं। देखो, आप डायग्राम देखो, ये रहा, यहाँ पे ये टर्टल दिया हुआ है इस पिक्चर में, देखो ये रहा, इसके ये होते हैं फ्लिपर्स, इन्हें बोला जाता है फ्लिपर्स या पैडल्स, जिससे क्या कर पाते हैं? स्विम करके वाटर में आगे बढ़ पाते हैं। द बॉडी ऑफ सम एक्वेटिक एनिमल्स इज कवर्ड विद अ हार्ड कवरिंग टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अदर एनिमल्स। देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है, मतलब कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो किसी हार्ड कवर से कवर्ड होती है, मतलब उनकी जो बॉडी है वो एक अच्छे से एक हार्ड कवर से कवर्ड होती है। वो कवर जो होता है वो उन्हें दूसरे एनिमल से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, इस तरह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिशेज हैव स्केल्स वाइल क्रैब्स हैव अ हार्ड शेल टू कवर देयर बॉडी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, फिशेज जो होती हैं उनके पास स्केल्स होती हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड किससे होती है? स्केल्स से। जबकि जो क्रैब्स होते हैं उनकी जो होती है बॉडी वो हार्ड शेल होती है, जिससे वो उनकी बॉडी फुली कवर्ड होती है। तो इस तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मीन्स वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वो इन सब ऑर्गन्स का या इन सब जो ये सब जो चीज़ें हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं, और इस तरह से वो वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं। अब हम जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं एंड जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, दोनों के बारे में हम अच्छे से रीड कर चुके हैं कि वो किस तरह के अडेप्टेशंस करते हैं। बट अब हम ऐसे एनिमल्स के बारे में रीड करेंगे जो लैंड पर और वाटर में दोनों जगह रहते हैं। सो यहाँ पे हैं एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। मीन्स ऐसे एनिमल्स जो दोनों जगह रहते हैं, लैंड पर भी और वाटर में भी। एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स एंड टॉड्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। देखो, एनिमल्स जो हैं जैसे फ्रॉग हैं, टॉड हैं, ये क्या हैं? फ्रॉग्स एंड टॉड्स, ये दोनों लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, और इन्हें क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस। ओके, जैसे वाटर में रहने वाले एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है ना,
उसी तरह लैंड और वाटर दोनों जगह रहने वाले एनिमल्स को एम्फीबियंस बोला जाता है। दे हैव लॉन्ग बैक लेग्स विच हेल्प देम टू मूव ऑन लैंड बाय जंपिंग। इनके जो है लॉन्ग बैक लेग्स होते हैं, इनके जो पीछे वाले लेग्स होते हैं, देखो आप यहाँ देखोगे इस पिक्चर में, तो इनके जो लेग है ये क्या है, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, तो जिससे क्या है ये मूव कर पाते हैं लैंड पर, मतलब जंप करके ये क्या कर पाते हैं, इनकी हेल्प से ही चल पाते हैं, जंप कर पाते हैं लैंड पर जब चलते हैं तब। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। और इनके जो फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। देखो ये जो वेब्ड फिट है, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल फैले हुए हैं ये, तो ये इस तरह से वेब्ड फिट होते हैं जिससे कि हेल्प से ये वाटर में स्विम कर पाते हैं। वेन दे आर ऑन लैंड दे ब्रिथ थ्रू देयर लंग्स। देखो जब ये लैंड पर होते हैं, ये वाला एनिमल्स मीन्स एम्फीबियंस, जब लैंड पर होते हैं तो ये इनके लंग्स की हेल्प से ब्रिथ करते हैं, बट वेन दे आर इन वाटर दे कैन ब्रिथ थ्रू देयर स्किन। बट जब ये वाटर के अंदर होते हैं तो ये इनकी स्किन की हेल्प से ब्रिथ करते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि लैंड पर रहने वाले एनिमल्स टेरिस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, और जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं वो एनिमल्स एम्फीबियंस होते हैं, और जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं वो एनिमल्स अब जो ब्रिथ करते हैं वो लंग्स की हेल्प से करते हैं लैंड पर, तो और वाटर में ये अपनी स्किन की हेल्प से ब्रिथ कर पाते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी के एनिमल्स के अडेप्टेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। ओके, कीप लर्निंग, बाय बाय।